हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कुमार्स। एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों साथ में आपको ज्वाइन आइकन भी दिखेगा, आप चाहे तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बारिश आने से पहले अपने कपड़ों को हमें किस तरह से कबर्ड में रखना चाहिए कि उसमें कुछ भी परेशानी ना हो, महक ना आए, ना ही सीलन पड़े, ना ही किसी तरह की बदबू आए। तो ये देखिए, मैंने अपने सारे कपड़ों को, जितने भी खास मेरे कपड़े हैं, साड़ियाँ, कुछ कपड़े, उसमें मैंने धूप दिखाना शुरू कर दिया है। मैं अपनी साड़ियों को भी धूप दिखा रही हूँ और कोरोना की वजह से ऑलरेडी हम एक दो सालों से अच्छी साड़ियाँ या अच्छे कपड़े यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कबर्ड में पड़े पड़े उसमें सीलन लग सकती है, फंगस लग सकता है, बदबू आ सकती है। आप सारे कपड़ों को, यही समय है क्योंकि अब गर्मी जाने वाली है, जल्दी ही आप धूप में सुखा लें अच्छी तरह से और उलट पलट करके सुखाएँ। ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरफ धूप दिखाया, ट्राई करें कपड़ों को खोलें और उसे उलट पलट करें और उस तरह से सुखाएँ। ये देखिए, आज मेरी तरफ बहुत कड़ाके की धूप हुई है। मैंने धूप में कपड़े डाले हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की धूप में अपने रंगीन कपड़े डालने से उसका रंग भी उड़ने का डर रहता है, तो मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ पे धूप तो आ रही है, उसकी हीट ज़्यादा आ रही है। डायरेक्ट धूप भी ना भी मिले तो भी चलेगा। अगर डायरेक्ट धूप में आप डाल रहे हैं तो जल्दी ही उन कपड़ों को हटा सकते हैं, आप उलट पलट करके जल्दी ही कपड़ों को सुखा के हटा सकते हैं। ये देखिए, अब मेरे एक साइड में कपड़े सूख चुके हैं, अब मैं उन्हें थोड़ा पलट रही हूँ। मैंने हैंगर में उसकी पोजीशन भी चेंज की है, उन्हें खोल के फिर से अलग तरह से डाला है। और इस तरह से कपड़ों की पोजीशन मैंने चेंज कर दिया है, थोड़े से दूसरे साइड भी वो सूख जाए। बारिश आने से पहले हमें ऐसा एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए और ख़ासकर कोरोना की वजह से अगर आप घर से बाहर नहीं जा पाए हों और कपड़े आपके कबर्ड में पड़े पड़े वैसे ही रखे हुए हों, तो प्लीज़ प्लीज़ उन्हें निकालें। कबर्ड में या बेड के लॉफ्ट में या फिर ऊपर लॉफ्ट में, बेड के बॉक्स में। और अब इन कपड़ों को मैंने सुखा लिया है। अब देखिए, हमें जो कपड़ों की जो तह लगाई थी, उस तह में एक क्रीज वो बैठ ही जाता है, तो हमें उस तह को उल्टा करके उन कपड़ों को फोल्ड करना है। अगर हम एक ही तरह से कपड़े फोल्ड किए रहेंगे तो वहाँ पे कपड़े फटने या फिर बहुत ही गहरी दाग होने का डर होता है। तो आप पूरी तरह से, आप लोग को साड़ियों को या फिर कपड़ों को खोलना पड़ेगा और उसे तह उल्टी करनी पड़ेगी। और अब देखिए, मैं अपने कबर्ड को सजाना शुरू करूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने हैंगर में कपड़े अपने रेडी कर लिए हैं, सारे ही कपड़ों को मैंने रेडी कर लिया है। तो कबर्ड में कपड़े रखने से पहले हमें कबर्ड को अच्छी तरह से क्लीन करना है। मैंने ऑलरेडी क्लीन किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। और कबर्ड में कपड़े रखने से पहले कबर्ड को कुछ देर के लिए आप खुला भी छोड़ दें। कबर्ड बंद ही बंद रहेगा तो कपड़े भी अंदर बहुत दिनों तक बंद रहेंगे, वो ठीक नहीं है, थोड़ी हवा भी उनमें जानी चाहिए। तो ये देखिए, मैं अब कपड़ों को रखना शुरू कर रही हूँ और कबर्ड को आप प्लीज़ थोड़ी देर कपड़े रखने के बाद भी खुला रख सकते हैं या फिर कभी कभी बीच में आप कबर्ड को खुला छोड़ दीजिए। तो इस तरह से मैं इसमें कपड़े रखना शुरू कर रही हूँ। पहले मैं हैंगर में कपड़े डाल रूँगी। मैं साड़ियाँ पहले रख रही हूँ, ये डेली यूज़ की साड़ियाँ हैं जिसे मैं ऊपर ही रखती हूँ ताकि ईजिली मैं उसे निकाल सकूँ और पहन सकूँ। ये देखिए, मैं थोड़ी ज़्यादा साड़ियाँ, मेरे पास कबर्ड में कम स्पेस है तो मैं हैंगर में साड़ियाँ डाल रही हूँ। तीन चार हैंगर में एक साथ ही लगाने वाली हूँ। ये देखिए, एक एक करके लगाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है जब साड़ियाँ बहुत अटक चुकी हैं वहाँ, तो यहाँ मैं तीन चार हैंगर एक साथ लिया है। अब नीचे के पोर्शन में भी हमें कपड़े रखने हैं, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर पेपर बिछा लूँगी। आप चाहे तो कोई
पुराने कपड़े को भी बिछा सकते हैं। यहाँ मैंने पेपर का इस्तेमाल किया है और पेपर डालने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे नेफ्थलीन बॉल्स डालना शुरू करूँगी। ये फिनाइल की गोलियाँ बहुत ही अच्छी रहती हैं, ये कपड़ों में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगने देती, बदबू नहीं आने देती और बहुत ही ज़्यादा इसकी खुशबू नहीं आएगी आपके कपड़ों में, क्योंकि कवर्ड मोस्टली खुलता और बंद होता रहता है। बेसिकली ये ठंड के कपड़ों में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं फिर बाकी के बचे कपड़े अपने डाल रही हूँ। तो एक साइड मैंने बनाया है अपनी साड़ियों के लिए, जो डेली यूज़ की साड़ियाँ मैं पहनती हूँ, एक साइड मैंने अपने सलवार कुर्तों के लिए रखा है। तो कुछ इस तरह से हम अरेंज करते जाएंगे कबर्ड को। और दोस्तों यहाँ देखिए नीचे में भी आप कपड़े रखने शुरू कर रही हूँ मैं। यहाँ मैं जनरली अपने टॉप जीन्स के ऊपर पहनने वाले टॉप्स वगैरह को रखती हूँ। तो हम ये रखने से पहले ये ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे पास अगर स्पेस कम है तो हमें ऐसे कपड़े नीचे रखने हैं जिन्हें हम कम यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ कपड़ों को मैं कम यूज़ करती हूँ तो उन्हें मैं नीचे जगह दूंगी, तो इजीली हमें ऊपर के कपड़े जो डेली यूज़ के हैं वो हमें मिल जाएंगे। और मैं बास्केट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे स्पेस बचती नहीं बल्कि उससे स्पेस ज़्यादा चली ही जाती है। तो नीचे एक तह कपड़े लगाने से अच्छा हम इसे दो कंपार्टमेंट बना के रखेंगे। तो एक साइड टी शर्ट, एक साइड जीन्स, स्कर्ट या जैसे भी आप रख सकते हो, या जो भी आपकी शर्ट हो, पैंट हो, आप दो तह बना के, दो कंपार्टमेंट बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बशर्ते एक बनाने से जगह भी आपकी ज़्यादा लेगी और उतनी स्पेस हमें चाहिए भी नहीं होती है। तो ये देखिए दोनों तरफ मेरे कपड़े आसानी से फिट आ गए हैं और बहुत ही आराम से मैं उन्हें निकाल सकती हूँ, कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे बास्केट की ट्रिक इतनी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैं उसे यूज़ में नहीं लाती हूँ। मैं जनरली कबर्ड कपड़े रखने के लिए है तो कपड़े ही रखेंगे। और ये देखिए यहाँ मेरे कुछ स्कार्फ, स्टोल्स, ये सारी चीज़ें हैं। ये बहुत ही छोटे वाले हल्के वेट के स्टाफ स्टोल्स आदि हैं, तो मैं इनको आगे में नहीं रख के पीछे, क्योंकि इन कपड़ों को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है कि पीछे में थोड़ी सी जगह अभी भी रह गई है, काफ़ी जगह है वहाँ पे। मैं इजीली वहाँ पे 3-4 स्कार्फ, स्टोल, जो भी मुझे डेली यूज़ के मैं वहाँ रखती हूँ, आराम से निकालती हूँ और यूज़ करती हूँ। तो इससे भी आप स्पेस बचा सकते हैं, आगे की पोर्शन आपकी देखने में ख़राब भी नहीं लगेगी। ये देखिए मुझे अगर ये चाहिए या 2-3 स्टोल, स्कार्फ, जो भी चाहिए, मैं इस तरह से रख देती हूँ। अब यहाँ पे दूसरी तरफ भी साड़ियों के नीचे भी मैं अपने कपड़े रखना शुरू कर रही हूँ और इसे भी मैं दो साइड में करके रखूँगी, केवल एक साइड नहीं रखूँगी, नहीं तो उससे सारी स्पेस हमारी चली जाती है। ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ हैवी सूट्स वगैरह भी रख देती हूँ, या फिर आपकी बंडी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें भी रख देते हैं हम, या जैसे भी आप इसे अरेंज करना चाहें। तो ऑलमोस्ट मेरा कबर्ड अरेंज है, मैंने नेफ्थलीन बॉल्स भी डाल दिया है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए खुली रखूँगी और उसके बाद ही बंद कर दूँगी। तो ये देखिए हमारा कबर्ड रेडी है। ईजिली आप चाहे कोई भी कपड़े निकाल सकते हैं, वापस रख सकते हैं। कपड़ों को आसानी से आप बहुत दिन तक बिना बदबू के आराम से कबर्ड जब खोलेंगे खुशबूदार आपको लगेगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।